नमस्कार दोस्तों, UNKD स्टडी पोर्टल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में गणित से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है -2 पर, देखिए पावर -2 दिया है, पूरे का देखिए पावर -2 दिया है का मान है, यह हमसे पूछा है हम लोगों से। तो चलिए हम सब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है -2 का, देखिए पावर दिया है -2 और फिर देखिए पूरे पर पावर दिया है -2। देखिए यह प्रश्न दिया है। यह प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप लोग देखिए एक जो नियम होता है उसे समझिए। यदि कहीं पर देखिए, यदि इस तरह दिया रहे ए पर, देखिए दिया रहे एम और फिर देखिए इस पर पूरे पर देखिए एन दिया रहे, तो वह ए पर एम इंटू एन के बराबर होता है। अब देखिए इसी पर आप इसे सवाल को लगाइए, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा -2 पर देखिए -2 गुड़े -2, देखिए यह एम इंटू एन होगा, यानी देखिए यह ए हो गया है और यह ए पर एम इंटू, यहाँ पर देखिए एम इंटू एन हो गया है। अब देखिए आगे हो जाएगा -2 पर, देखिए यदि आप -2 का -2 में गुणा करेंगे तो देखिए +4 होगा, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है। अब यह देखिए इसे हल करेंगे तो -2 गुड़े देखिए -2, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखिए जब पावर जो होता है सम होता है तो माइनस रहता है तो वह देखिए प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यह देखिए 16 ही होगा, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आ गया होगा। अब चलिए हम सब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया कि यह देखिए 8 का देखिए घनमूल दिया है, फिर देखिए लिखा है नीचे कड़ी में 16 भागा, यह देखिए कड़ी में 100/49 गुणे देखिए 125 का घनमूल है का मान है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से एक जो होगा सही उत्तर होगा। तो चलिए हम सब देखते हैं यह किस प्रकार साल होगा। देखिए हम यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं, दिया यहाँ पर देखिए 8 का देखिए यह घनमूल है, यहाँ पर 16 हो जाएगा भागा, यह दिया है 100/49 गुणे देखिए 125 का जो है यह घनमूल है। अब आप सब देखिए यहाँ पर 8 का जो घनमूल होता है वह 2 होता है, 8 का जो घनमूल होता है वह 2 होता है। देखिए यह कर्णी में 16, यानी देखिए यह 16 का जो वर्गमूल होता है वह 4 होता है। फिर देखिए यहाँ पर भागा हो जाएगा, यह देखिए यह जो होगा यह कर्णी में 100/49, यह जो होगा 10/7 होगा इसका मान। अब गुणे देखिए यहाँ पर होगा, यह देखिए 125 का घनमूल पूछा है तो इसका घनमूल जो होगा वह 5 होगा। अब हम सब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2/4। देखिए कहा जाता है कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करें धन जोड़ को, ऋण को दियो घटाए। तो देखिए यहाँ पर हम सब जो है भाग को हल करेंगे, तो देखिए भाग के स्थान पर यह गुणा हो जाता है, जब गुणा होता है तो यहाँ का जो अंक रहता है वह पलट जाता है, यानी अंश हर बन जाता है और हर जो है अंश बन जाता है। तो देखिए उल्टा लिखा जाएगा, 60/10 होगा गुणे यहाँ पर देखिए 5 होगा। देखिए अब इसे काटिए तो 2/10 और देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा वह आएगा 7/4। देखिए यहाँ तक तो हल कर दिए, लेकिन अब आप ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर 7/16 दिया है, 4/7 दिया है। अब लेकिन देखिए ऑप्शन में जो दिया है इस प्रकार में दिया, तो देखिए यहाँ पर इससे आप यह भी लिख सकते हैं 1 सही 3/4, यानी 4 × 9 = 4 × 3 = 7/4, यानी देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह भी प्रश्न आसानी समझ आ गया होगा। चलिए हम सब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हम सब देखते हैं, देखिए दिया है 6 और देखिए पूरा कड़ी में दिया है 27 की पावर -2/3 + 8 की पावर -2/3 का मान है। तो चलिए हम सब देखते हैं यह प्रश्न किस प्रकार सॉल्व होगा। तो हम सब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 27 की पावर, यहाँ पर देखिए 27 की पावर -2/3 + 8 की पावर -2/3, देखिए यह जो प्रश्न है दिया है। आप सब यहाँ पर एक जो इसका नियम है याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर यदि कहीं पर a/b (-m) दिया हो तो देखिए वह b/a (m) के बराबर होता है। देखिए इसे आप याद रखिएगा, कहीं पर a/b (power-m) हो तो देखिए उसका उल्टा हो जाता है, देखिए b/a (+m) हो जाता है। अब चलिए हम सब सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए यहाँ पर दिया है 6 करड़ी में, अब देखिए यह हो जाएगा 1/27, अब देखिए हो जाएगा यह 2/3। देखिए इसी नियम के अनुसार यहाँ पर यह
जो माइनस है हट गया, देखिए 1/27 हो गया 2/3 प्लस। अब देखिए अभी उसी प्रकार हो जाएगा 1/8 पर 2/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक और नियम होता है, उसे भी समझिएगा। यदि कहीं पर a बटे बी पर m दिया हो तो देखिए वह a पर m बटे बी पर m के बराबर होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब हम सब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि देखेंगे तो 1/2/3 होगा, देखिए 1/2/3 होगा तो उसका मान 1 ही होगा, और यहाँ पर देखिए जो होगा 27/2/3 होगा। अब फिर इसी प्रकार यहाँ पर होगा, देखिए 1/2/3 यानी 1 होगा प्लस 8 पर देखिए 2/3 होगा। देखिए इस नियम के अनुसार देखिए यह ए बटे बी पर पावर एम है तो देखिए ए पर एम यानी 1/2/3 बटे एम, नीचे देखिए 8/2/3 यानी बी पर एम, देखिए जो हम बताए हैं वही यहाँ पर लिखे हैं। अब आगे देखिए आप सब, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 कड़ी में देखिए 1/2, देखिए यहाँ पर जो है इसका हर 3 है, अब यहाँ पर देखिए इसका भी हर 3 है, तो देखिए यहाँ पर 27 को आप इस प्रकार लिखिए कि वह जो है यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 3 कट जाए, और देखिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर, तो एक ऐसा यहाँ पर देखिए 8 को लिखिए इस प्रकार लिखिए कि देखिए यह 3 कट जाए। तो देखिए यदि आप 27 को देखिए 3/3 या पूरे का 2/3 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर यह 3 अभी कट जाएगा आपके, हम आपको बता रहे हैं। फिर देखिए यह हो जाएगा 2/3, अब देखिए पूरे का 2/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होगा 6, अब पूरे का यहाँ पर देखिए करीम होगा 1/2। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, यदि ए पर देखिए यम और यहाँ पर दिया रहे यन, तो देखिए जो होता है ए पर यम इंटू यन के बराबर होता है, हम आपको पिछले प्रश्न में बताए हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए साल होगा तो 3/3 गुण देखिए 2/3 होगा, फिर यहाँ पर देखिए प्लस होगा 1/2/3 गुणे 2/3 होगा। अब देखिए आप सब, 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो होगा आपका 1/2 देखिए 3/2 होगा यानी 3 × 3 = 9 होगा, प्लस यहाँ पर देखिए 1/2/2 होगा तो यानी 1/4 होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हो जाएगा 6, अब कड़ी में देखिए 4 × 9 = 4 और प्लस देखिए 9 × 9 = 9, अब नीचे हो जाएगा 9 × 4 = 36। अब देखिए आगे होगा यहाँ पर 6 कड़ी में देखिए यहाँ पर 13/36 होगा। अब देखिए आप सभी हो जाएगा 6 यह कड़ी में 13/, देखिए अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर देखिए कड़ी में 13 जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर सी जो होगा सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न दिया है, यहाँ पर दिया है कि 256 पर देखिए power 0.16 दिया है गुणे 16 पर power 0.18 दिया है, और देखिए इसका मान पूछा है, और देखिए यहाँ पर यह ऑप्शन दिया है। तो चलिए हम सब देखते हैं यह प्रश्न किस प्रकार सॉल्व होगा। तो देखिए हम यहाँ पर प्रश्न लिख रहे हैं, दिया है 256 की power 0.16 × 16 की power दिया है 0.18। अब चलिए हम सब देखते हैं प्रश्न किस प्रकार सॉल्व होगा। देखिए आप सब, यह 256 दिया है और यहाँ पर देखिए 16 दिया है, तो यह देखिए यह 256 जो है यह किसका वर्ग है, तो देखिए 256 जो है यह 16 का वर्ग है। तो देखिए इसे आप 16 का वर्ग और फिर इसे 0.16 आप लिख सकते हैं। फिर देखिए यह गुणे हो जाएगा 16 पर 0.18, देखिए यह हो जाएगा। अब देखिए आप सब यहाँ पर हो जाएगा 16 पर देखिए यह, हम आपको बताएं कि यदि a पर देखिए m फिर उसका पूरे का n दिया रहे तो a पर m इंटू n होता है। देखिए यहाँ पर 2 × 0.16 हो जाएगा गुणे यहाँ पर देखिए 16 पर 0.18 हो जाएगा। तो देखिए इतना यहाँ पर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप सब यहाँ पर हो जाएगा 16 पर इसका गुणा कर दीजिए, देखिए 2 × 6 = 12 हासिल बचा 1, 2 × 1 = 2 हासिल बचा 3 और देखिए 0.32 हो जाएगा। अब गुणे 16 पर हो जाएगा 0.18। जैसा कि आप जानते हैं यदि a पर m गुणे a पर n दिया रहे तो देखिए a पर
m प्लस एन के बराबर होता है, यह हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 16 पर 0.32 प्लस 0.1 का, देखिए यह इतना हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, देखिए 8 10 0 हासिल बच्चा 1 3 1 4 1 5, देखिए 0.5 हो जाएगा। अब आप सब ध्यान से देखिए, देखिए 0.5 यहाँ पर 5 0 है, तो यहाँ पर 16 देखिए यह होगा, इसको आप 1/2 जो है आप इसे लिख सकते हैं। देखिए 0.50 को आप 1/2 लिख सकते हैं। अब आप सब देखिए, इसे 2 को आपको हटाना है, तो देखिए यदि आप 4 का वर्ग कर देंगे, देखिए 16 वह हो जाएगा, अब पूरे का देखिए 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सब देखते हैं, तो देखिए अब यह हो गया ए पर एम, पूरे का पावर एन दिया है, तो ए पर एम इंटू एन होगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 पर 2 गुणे 1/2, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर जो होगा 4 इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अब आप लोग आगे से इस प्रकार के सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम सब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए दिया है, 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 का मान है। चलिए हम सब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यदि आप इस प्रश्न को इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 5 10 11/2 प्लस 7 14 15/2 प्लस 11 22 21/2, देखिए इस प्रकार करेंगे तो भी लगा लेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो तरीका एकदम बेस्ट है, वह जो तरीका है आप किसी भी इस प्रकार के बड़े प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे उस तरीके से। चलिए हम सब उसे बताते हैं, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2। देखिए यहाँ पर यह जो 5 सही 1/2 होता है, देखिए कितना होता है, 2 5 10 1 11/2 होता है। देखिए आप 5 सही 1/2 को 5 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। देखिए इसे भी हल करेंगे तो 2 5 10 1 11/2 ही होगा। तो यहाँ देखिए 5 सही 1/2 को आप 5 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए यदि कहीं पर दिया रहे 13 सही 2/3, तो देखिए इसे आप 13 प्लस 2/3 लिख सकते हैं। अब चलिए हम सब आगे जो है इस प्रश्न को यहाँ पर हम आपको सॉल्व कर कर दिखा रहे हैं। तो देखिए आप सब यहाँ पर जो होगा 5 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस देखिए अब इसे आप लिख सकते हैं 7 प्लस 1/2, प्लस इसे देखिए लिख सकते हैं 11 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस, फिर हम देखिए 7 को जोड़ रहे हैं, 7 प्लस अब 11 को ले रहे हैं यहाँ पर, अब प्लस देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यहाँ पर हम इसे लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 और 7 देखिए 12 होगा, और 12 में 11 जोड़ेंगे तो देखिए 23 होगा, प्लस देखिए यहाँ पर जो है हर हर सभी यहाँ पर देखिए तीनों बराबर है, तो वहाँ से जो है जुड़ जाएगा, तो देखिए 1 2 और 1 कितना होगा, तो 3/2 होगा। और देखिए गुणा करिए 23 2 नहीं, देखिए होगा यहाँ पर 46 प्लस 3/2, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा 46 3 49/2। देखिए यह जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो देखिए इसका सही होगा। देखिए आप कहेंगे कि इसे जो है हम इस प्रकार भी सॉल्व कर देंगे, 5 10 11/2 प्लस 7 14 15/2 प्लस 11 2 22 23/2, और कहेंगे कि देखिए हर बराबर है, हम उनसे जोड़ देंगे। देखिए वह तो ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो है प्रश्न बहुत बड़ा बड़ा दे देता है, और देखिए इस प्रकार का जो सभी जितने भी बड़े प्रश्न हैं हम सब कल उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बस हम आपको यह बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप जो इस सवाल को इस तरह भी लगा सकते हैं। अब आगे जो है हम सब इस सवाल का जो इसका जो बड़ा सवाल है उसे भी हम सब आगे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।